नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ एंड मेडिकल लर्निंग चैनल, जिसमें आज मैं इलायची खाने के फायदे और नुकसान के विषय में बात करूंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, इलायची खाने के फायदे। हमें आयुर्वेद के रूप में ऐसा खजाना मिला है जो हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने में काफी मददगार है। इस खजाने में है जड़ी बूटियां, फल, फूल और तरह तरह के मसाले शामिल हैं। मसाले हमारे जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ये कई तरह के रोगों से निजात दिलाने में भी काफी असरदार भूमिका निभाते हैं। इन्हीं में से एक है इलायची। इलायची एक ऐसा मसाला है जो हर किचन में मौजूद होता है। खाने को स्वादिष्ट बनाने के अलावा इससे ऐसे भी कई गुण हैं जिनके बारे में आप शायद आप ना जानते हों। इलायची में पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, लोह, मैग्नीज और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कई महत्वपूर्ण विटामिन जैसे राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन सी भी पाए जाते हैं। इलायची सिस्टोल और डायस्टोल को कम करने में सहायक है। इसमें ब्लड प्रेशर लेवल प्रभावित होता है। इलायची को चाय में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इलायची के पाउडर का सेवन किया जाए तो पेट की चर्बी को भी कम किया जा सकता है। इलायची में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण ये मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती है। साथ ही इसमें मौजूद महक मुंह को गंध से भी बचाती है। इलायची के बीजों से निकलने वाले तेल में ऐसे पदार्थ होते हैं जो मुंह के इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। इलायची के नियमित सेवन से दोस्तों किडनी, मूत्राशय, पेशाब संबंधी कई समस्या जैसे पथरी, नेफ्रेटिस, पेशाब में जलन और बार बार पेशाब लगने की समस्या को भी ठीक किया जा सकता है। इसको नियमित लेने से शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता दोस्तों। आप इसे कॉफी या चाय में डालकर भी पी सकते हैं। इलायची के दानों को पीस कर पाउडर बना लें और उसे अपनी दूध, चाय या खाने में प्रयोग करें। इसके अलावा आप खाने के बाद एक इलायची भी चबा सकते हैं। अच्छे पाचन में भी मददगार होता है इलायची दोस्तों। इलायची के गुण यह है कि यह भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये मतली, सीने में जलन, सूजन, गैस, एसिडिटी, भूख न लगना और कॉन्स्टिपेशन के साथ कई और तकलीफ में भी लाभदायक होता है। फाइबर, इलायची मौजूद फाइबर की वजह से यह ब्लड प्रेशर को कम करने में भी उपयोगी होता है। अवसाद भी कम करता है इलायची खाने से दोस्तों, अवसाद भी कम होता है। इलायची के खिलाफ कुछ आयुर्वेदिक स्टडी ये बताती है कि अगर आप इलायची की चाय बनाकर पिए तो ये आपके डिप्रेशन के लेवल को भी कम करता है। इलायची के अद्भुत गुण। इलायची की सबसे बड़ी विशेषता है इसका मूत्रवर्धक गुण, जिसके माध्यम से शरीर की गंदगी, अतिरिक्त पानी, नमक, टॉक्सिन, किडनी, मूत्राशय और गर्भाशय में संक्रमण फैलाने वाले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। सर्दी और खांसी से भी सुरक्षा करता है इलायची। इलायची एक गंधपूर्ण मसाला है जिसका उपयोग सर्दी और बुखार को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उन समान सेहत से जुड़ी समस्याओं को रोककर उन्हें दूर भी करता है। ब्रोंकाइटिस के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। रक्त के थक्के बनने से भी रोकता है इलायची दोस्तों। छोटी इलायची के गुण, आर्टरी की दीवारों में रक्त के अटक जाने से थक्के बन जाते हैं। रोजाना इसका उपयोग करने से प्लेटलेट थक्का होकर थक्का बनने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। किडनी की देखभाल में भी मददगार होता है दोस्तों इलायची। इलायची मौजूद घटक किडनी में उपस्थित टॉक्सिन को धोकर बाहर निकाल देता है और किडनी को पोषण देता है दोस्तों। किडनी की देखभाल में भी मदद करता है इलायची। इलायची मौजूद घटक किडनी में उपस्थित टॉक्सिन को धोकर बाहर निकाल देता है और किडनी को पोषण देता है। दर्द नाशक में भी काम आता है इलायची दोस्तों। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो दर्द को कम कर सूजन वाले स्थल जैसे मुंह, गला और आंखों में रेटिना की झिल्ली को राहत देता है। मुंह की सुरक्षा भी करता है इलायची दोस्तों। अगर आपके मुंह से किसी तरह का घाव या अन्य कोई परेशानी है तो इलायची आपकी मदद करता है। यह मुंह की बदबू को दूर कर मुंह के घाव को भरने में मददगार होता है। स्वास्थ्य संबंधी लाभ,
पाचन क्रिया सुधारता है। इलायची दोस्तों ये पेट की सूजन को कम कर मतली और सीने में जलन से राहत देता है। साथ ही देश में झिझड़ी को आराम देकर पेट की एसिडिटी से राहत देता है। अतः ये संपूर्ण पाचन क्रिया को मदद करता है। इलायची के लाभ ये है कि इसके पाउडर में धनिए के दाने को पीस कर मिलाकर इस चूर्ण को गर्म पानी के साथ सेवन करने पर बदहजमी, पेट की सूजन और गैस में तुरंत राहत मिलती है। दुर्गंध से भी डरता है इलायची। इलायची एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होने के साथ ही साथ तेज फ्लेवर और भीगी खुशबू लिए हुए होता है। इलायची के फायदे और अपने गुण की वजह से पाचन को सही रखता है और हमारे मुंह की दुर्गंध को दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बदहजमी ही मुंह की दुर्गंध का मुख्य कारण है। खाने के बाद इसके कुछ दानों को चबाएं या फिर इससे बनी चाय रोजाना सुबह लेना फायदेमंद होता है। चाय शरीर को डिऑक्सीफाई कर पाचन क्रिया को मजबूत करता है। एसिडिटी में भी राहत देता है इलायची दोस्तों। इलायची के औषधीय गुण भी अनेक हैं। इलायची में मौजूद जरूरी तेल तत्व पेट में उपस्थित म्यूकस लाइनिंग को मजबूत बनाता है, मुंह में लार की मात्रा को बढ़ाता है। इलायची के दानों को चबाने से लार ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जो अमाशय की क्रिया को भी सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। ये पाचन को बेहतर करता है और एसिडिटी की वजह से होने वाली जलन को ठंडक पहुंचाता है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को लक्षणों को भी कम करता है दोस्तों इलायची। इलायची फेफड़ों में रक्त के संचरण को बढ़ाकर सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से रक्षा करता है। इलायची गर्माहट बलगम से मुक्ति दिलाकर सीने में अवरोध को खत्म करता है। इसमें मौजूद जरूरी तेल तत्व को भाप के द्वारा सांस लेने से सांस संबंधी समस्या दूर हो जाती है दोस्तों। हृदय गति को भी समान करता है दोस्तों इलायची। ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज तत्वों से भरपूर है, जो हृदय गति को समान कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इलायची से बनी चाय रोजाना पीने से इसके बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। एनीमिया से भी लड़ता है दोस्तों इलायची। इसमें कॉपर, आयरन, जरूरी विटामिन जैसे राइबोफ्लेविन और नियासिन मौजूद होते हैं। ये लाल रक्त कणों की संख्या को शरीर में बढ़ाने में मदद करता है। गर्म दूध के साथ एक चुटकी हल्दी और थोड़ा इलायची पाउडर मिलाकर के रोज रात को पीने से कमजोरी और एनीमिया के लक्षणों से मुक्ति मिलती है। शरीर से टॉक्सिन को भी बाहर निकालता है। टॉक्सिन को बाहर निकालता है दोस्तों। इसमें मौजूद मैग्नीज तत्व शरीर में उपस्थित मुक्त कणों को नष्ट कर शरीर को भीतर साफ करता है। सेक्स लाइफ को भी बेहतर करता है इलायची दोस्तों। इलायची नसपुंसा और पतन जैसे यौन समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। नियमित रूप से इससे बनी चाय सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों, इलायची खाने के नुकसान क्या है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। गर्भपात की संभावना। इलायची खाने से दोस्तों गर्भपात की संभावना हो सकती है। प्रेगनेंसी और फीडिंग के दौरान इलायची को औषधि के तौर पर इस्तेमाल करना गलत है। उपयोग से पहले चिकित्सक की सलाह ले लें। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान बहुत अधिक मात्रा में इलायची का सेवन करने से गर्भपात होने का खतरा रहता है। पथरी। इलायची खाने से दोस्तों पथरी भी हो सकती है। ज्यादा इलायची खाने से अगर आप पित्ताशय की पथरी से पीड़ित हैं तो बहुत अधिक मात्रा में इलायची का सेवन ना करें। अधिक मात्रा में इलायची के सेवन से पथरी का दर्द और बढ़ सकता है। अगर सेवन करना जरूरी है तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें। एलर्जी भी हो सकती है दोस्तों ज्यादा इलायची खाने से। अगर आपका शरीर इलायची के प्रति संवेदनशील है तो आपको इलायची खाने से या इसकी तेज महक से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों को किसी भी रूप में इलायची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एलर्जी की वजह से त्वचा पर लाल चिकत्ते, खुजली जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे कोई लक्षण दिखे तो उसका सेवन बंद कर दें और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों इलायची के विषय में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे ऐप न्यूट्रिशन एंड फूड चार्ट को अवश्य डाउनलोड करें।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।